दो योजना कैबिनेट ने पास किया गया है जो मनरेगा से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ा हुआ है। इससे अब कितना मजबूती मिलेगा मनरेगा योजना को या फिर आम जनता को? देखिए, जो भी कदम बिहार की सरकार उठा रही है उसमें गांव के गरीबों को ऊपर उठाने की बात हो रही है और ग्रामीणों को रोजगार देने की बात हो रही है। कोरोना वायरस जब से पैर फैला रहा है तब से लगातार बिहार की सरकार चिंतित है और प्रवासी लोग आ रहे हैं, उनको कैसे हम सुरक्षित रखें, उनको कैसे हम काम दें, इसकी पूरी योजना ग्रामीण विकास ने बनाई है और उनको काम देने का काम हम कर रहे हैं। अभी जो फैसला कल के कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है वह है कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास में जिनका नाम था और उनके पास जमीन उपलब्ध नहीं था, तो जमीन नहीं था तो जमीन घर नहीं बन पाता था, तो वैसे लोगों के लिए, और उसमें दो चीज शामिल किया गया। एक शामिल किया गया कि जो मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण है और जो जल जीवन हरियाली योजना के तहत जो पैन के किनारे, नहर के किनारे, पोखर के किनारे, अलंग पर बसे हुए लोग हैं और जल जीवन हरियाली योजना से वो प्रभावित हो रहे हैं, यानी पैन मुड़ाई हो रही है, पोखर खोदे जा रहे हैं, तो उनका घर नहीं रहेगा, तो वैसे हालत में उनके लिए राज्य सरकार के तरफ से जो मुख्यमंत्री वास स्थल योजना चलाई गई है उसमें 60,000 रुपया उनको भी मिलेगा और मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण जिनको जमीन नहीं रहेगा उनको भी हम 60,000 रुपया देकर के उनका घर बनाएंगे। तो राज्य की सरकार का जो फैसला है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का फैसला है, वो गरीबों को राहत पहुंचाने का है, गरीबों को ऊपर उठाने का है, गरीबों को सहारा देने का है। और मैं समझता हूं ऐसी योजनाओं से सिर्फ गांव के लोगों को नहीं, गरीबों को नहीं, बल्कि बेसहारा लोगों को सहारा मिलेगा। दूसरी योजना मनरेगा से जुड़ा हुआ है? दूसरी योजना एक और है कि पहले हम लोग 1 एकड़ से नीचे के तालाब को खोदते थे, अब ये फैसला हुआ कि जब बड़े पैमाने पर राज्य से के बाहर से श्रमिक हमारे आ रहे हैं तो हमको योजना का आकार को बढ़ाना पड़ेगा। तो जल जीवन हरियाली के तहत मनरेगा में हम 5 एकड़ के तालाब को भी जीर्णोद्धार करेंगे, पैन का भी जीर्णोद्धार करेंगे, आहार का भी जीर्णोद्धार करेंगे और इसी प्रकार से नीचे भी सोखता का बनाएंगे, कुआं के आगे सोखता बनाएंगे, चापा नल के आगे सोखता बनाएंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करेंगे, ये सब काम हम लोग करेंगे। लेकिन उसमें जो पहले से जो काम हो रहे हैं, चाहे लघु जल संसाधन विभाग करे या जल संसाधन विभाग करे या कृषि विभाग करे या अन्य विभाग के जरिए अगर कोई तालाब खोदे जा रहे हैं, पोखर खोदे जा रहे हैं, उसको छोड़कर के हम नई योजना लेकर के हम मनरेगा के श्रमिकों को काम देंगे। और आपको मैं बता दूं, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अब तक लगभग 20 लाख श्रमिकों को काम हम दे रहे हैं आज के तारीख में और 50 लाख तक हम श्रमिकों को काम देंगे। हमारा जो वार्षिक योजना है उसमें 18 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य है। हम इसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इसको 18 की जगह 24 करोड़ लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाए। और दूसरी बात, जो 100 साल में 100 दिन काम हम श्रमिकों को देते थे उसको बढ़ाने का भी आग्रह भारत सरकार से किया है, 200 दिन काम श्रमिकों को मिले इसके लिए प्रस्ताव बिहार की सरकार। मशीन का प्रयोग न पहले मनरेगा में मान्य था और आज मान है। अगर कहीं से इस तरह की शिकायत मिलेगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, जो भी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।